नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा। आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे चंद्र ग्रह नंबर 6 की। आप ऊपर देख सकते हैं कि एक कुंडली है जिसमें चंद्र जो है वो खाना नंबर 6 में है, और ये जो विवेचना है ये लाल किताब 1941 में से ली गई है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो हर बार हमेशा की तरह लाल किताब में पंडित जी ने सबसे पहले ऊपर टाइटल्स, हेडिंग्स, आशियां दी हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं उपाय में। तो पंडित जी ने यहाँ पर कहा है खरगोश सफर, ब्रैकेट में लिखा है केतु का पूरा चांद ग्रहण होगा। तो ये चीज़ें आपको पता है, हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम ये चीज़ें सारी जो है वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिकोड करेंगे। और आगे चलते हैं पंक्तियों पर। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं कीती तो करके देख, छठे हो चंद्र बारह देख, आठवें दूजे चौथे देख। तो पंडित जी ने स्टार्टिंग इसकी की है कि जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं कीती तो करके देख। तो आम लोग जो मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को सुना वो ये कह रहे थे कि जैसे ये काम करेगा वैसा ही उसको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे काम करेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे काम करेगा तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये लाइन का मतलब यही बनता है, पर अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो एंड में आके तो कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशन शुरू हो जाती है। ये लाइनें जो स्टार्टिंग की हैं और जो आखिरी की हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित जी ने ये कहा है कि ऐसा जातक आम जनता में चंद्र की चीज़ें खासकर कि पानी ना बांटे, पानी ना पिलाए, और आम जनता के लिए कुओं का प्रबंध ना करे, आम जनता के लिए इरीगेशन के लिए पानी की सेवाएं ना उपलब्ध करवाए। तो ये तो नेकी का काम है, तो इसको फिर नेकी के बदले प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं? और अगर आप विभिन्न ज्योतिषियों की बातें सुनेंगे यूट्यूब पे, या वैसे तो वो चंद्र छः में आपको यही कहेंगे कि ऐसे जातक को जैसा अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। तो अगर ये किसी प्यासे को पानी पिला रहा है, आम जनता में शबील पानी का दान कर रहा है, लोगों को के लिए कुएं या जैसे कूलर लोग लगवाते हैं वो लगवा रहा है, तो उसमें इसको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो देखिए जी, ये पंडित जी ने किस तरह बात कही है, बड़ा ही इसमें एक पंडित जी ने गहरी किताब है एक जो मेरी समझ में आया है। पंडित जी के कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चंद्र के लिए ये लाइन लिखी गई है, इंसान की तबीयत के लिए नहीं लिखी गई। वो इसलिए क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं कीती तो करके देख। चंद्र क्या है? पैसा है। और छठे घर में अब चंद्रमा जो है अच्छी कंडीशन में नहीं है, और छठे घर की जो बुनियाद बनती है फिफ्थ एंड नाइन्थ से कैलकुलेट करें तो वो दसवां घर जो कि कर्म का है, और नौवां घर जो बनेगा वो दूसरा घर बनता है, क्योंकि चंद्र यहाँ पर उच्च की नर्सी लिए बैठा है और जो सेविंग्स का धन का घर है। और कर्म हम किस लिए करते हैं? धन के लिए, पैसे के लिए, या अपने सुख के लिए, मन के सुख के लिए। जरूरी नहीं कि हम पैसे के लिए ही कोई काम करते हैं। जैसे किसी इंसान की कोई हॉबी होती है, कोई भी इंसान काम करता है या तो पैसे के लिए करता है या आत्मिक सुख के लिए करता है। घर पे अगर हमारी माँ काम करती है, खाना बनाती है तो पैसे के लिए नहीं बनाती। कोई घर में गार्डनिंग कर रहा है तो पैसे के लिए नहीं करता, वो आत्मिक मन की शांति के लिए करता है। तो किसी ना किसी का तरह से चंद्र का रोल इस चीज में, कर्म में जरूर होता है। और वहां से वो सेविंग कहाँ पर होती है? खाना नंबर 2 में। वो सुख की, वो खुशी की, वो पैसे की सेविंग जाती है खाना नंबर 2 में। अब चंद्र यहाँ पर छठे घर में है, तो देखिए चंद्र जो है बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। चंद्र बहुत जल्दी रिजल्ट देता है मीन्स कि चंद्र बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला प्लैनेट है, तो उसका रिजल्ट भी ऐसे होता है। बहुत सारे मुल्कों में, इंडिया में तो महीने बाद आपको सैलरी मिलती है। कई मुल्क ऐसे हैं कि आप सुबह काम करके शाम को फिनिश करोगे आपको पे मिल जाती है, वेजेस मिल जाते हैं। कई बार वीकली मिल जाते हैं, फोर्टनाइटली मिल जाते हैं, मीन्स कि जैसे इंडिया में भी दिहाड़ीदार बंदा एक दिहाड़ी लगाता है तो उसको उसी समय पैसे मिल जाते हैं। कि चंद्र एक ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर माँ से गुहार करे तो माँ उसी समय उसकी बात सुन लेती है, वैसा जैसे कि शिव शंकर भोलेनाथ इसको बोला गया है कि बहुत जल्दी
भावुक हो जाते हैं और बहुत जल्दी चंद्र उसका अपना फल देता है। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दो बातें यहाँ पर समझनी है जो जरूरी है। पहली बात तो ये है कि चंद्रमा धन का कारक है और बुनियाद इसकी टिकी है दसवें घर पे और दूसरे घर पे सिक्स्थ हाउस में बैठकर, और चंद्रमा आपको बहुत जल्दी फल देने वाला है, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट है, जल्दी फल देने वाला, चंचलता का कारक है। जैसी करनी वैसी भरनी, अब ये लाइनें चंद्र के लिए कही गई हैं, इंसान के कर्मों के लिए नहीं कही गई। अगर इंसान ये जातक किसी को पानी पिलाएगा, जो कि चंद्र की मेन चीज है, प्याऊ लगाएगा, कुएं लगाएगा, आम जनता को इरिगेशन के लिए पानी देगा, तो वैसे ही इसको रिजल्ट मिलेंगे। मींस कि ये दूसरों पे डिपेंड हो जाएगा, मींस कि इसका जो कामकार है चंद्र की चीजें रुक जाएंगी। मींस कि अगर इसने 100 रुपया दिया है तो वो 100 रुपये के लिए ये दूसरों पे डिपेंड हो जाएगा, इसकी अपनी जो सेविंग्स है, अपनी जो इनकम है, उस पर असर पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी, मींस कि जितना ये लोगों के लिए करता जाएगा, चंद्र की चीजों का दान करता जाएगा, उतना ही ये, क्योंकि उसका रिजल्ट इसको कैसे मिलेगा कि ये लोगों के दान पे डिपेंड होता जाएगा, मींस कि ये कमजोर होता जाएगा तो लोगों के नीचे आता जाएगा, मींस कि कहीं ना कहीं इसका चंद्रमा जो है वो डैमेज होता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर चंद्रमा ऐसा है कि अगर मान ले कि सपोज मेरा चंद्रमा 6 में है, तो मैं किसी बंदे की 100 रुपये की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ 100 रुपये से, तो मैं कल को 100 रुपये के लिए मोहताज हो जाऊंगा लोगों से, कि मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं, मेरे को इतनी कमी आ जाएगी कि मेरे को किसी से 100 रुपया मांगना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो लाइन लिखी है पंडित जी ने चंद्र के लिए लिखी है, चंद्रमा आगे ही डैमेज है और 8-2-6-12 का रिलेशन है, और आपको मैंने बताया भी था जो दान देना है 12वें घर से देखा जाता है और दान लेना 6ठे घर से देखा जाता है। तो कहने का भाव कि अगर ये चंद्रमा की चीजें, चंद्रमा के दान की खैरात लोगों में बांटेगा तो ये खुद इसका चंद्रमा डैमेज हो जाएगा, उसी चीज के लिए इसको लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ऐसे जातक को कभी भी चंद्र की चीज का दान आम जनता में नहीं करना चाहिए। तो ये चीज जो है ये पंडित जी ने समझाने की कोशिश की है। तो आगे पंडित जी कहते हैं, 6ठे को चंद्र 12 देख, 8वें दूजे 4थे देख। तो जब भी चंद्र 6ठे घर में हो तो खाना नंबर 12 को देखना चाहिए, खाना नंबर 8 को देखना चाहिए, और खाना नंबर 4 जो कि चंद्र का मेन घर है उसको देखना चाहिए। अगर ये घर खराब हो तो चंद्रमा का फल अच्छा नहीं आता। आगे पढ़ते हैं, आगे पंडित जी कहते हैं, घर हो ये घर रद्दी सब, चंद्र होगा मिट्टी तब। मींस कि अगर ये जो घर है, जो 8, 2, 12 और 4 ये खराब घर हो, यहाँ पर चंद्रमा के दुश्मन बैठे हों या किसी तरह ये घर खराब हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा का फल बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ऐसे जातक को मोस्टली क्या होता है कि पैसे की किल्लत आती है, सुख की किल्लत आती है, उसको पैसे जो आएंगे वो रुक रुक कर आएंगे, आई चलाई जो है वो स्मूथ नहीं रहती, कर्जे लेने पड़ते हैं, परेशानियां आती हैं, मानसिक चिंताएं घेर लेती हैं, तो ऐसी चीजें इस जातक के साथ होती हैं। आगे पंडित जी कहते हैं, कुआं लगे माता मरे, मरेगी आल औलाद भी। तो अगर ऐसा जातक कुआं लगाए तो उसके लिए, आजकल तो कोई लगाता नहीं, मीन्स कि अगर ऐसा जातक कुआं लगाए, मीन्स कि पानी का जो सोर्स है वो ग्राउंड से ले, तो घर से ले, तो ऐसी कंडीशन में माता की सेहत जो होगी वो खराब हो जाएगी। माता की सेहत पे कुछ, क्यों, चंद्रमा माता भी है, उसको परेशानी होगी, और 6ठे घर के चंद्रमा को अच्छा पानी नहीं बोला गया, बीमारी रोग शत्रु का घर है, तो किसी न किसी तरह से ये इसकी माता की सेहत पर असर डालेगा। आगे पंडित जी कहते हैं, मरेगी आल औलाद भी। तो आल का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना बाल बच्चे, तो आल का मतलब होता है कि आपके पेट्स, जैसे घर में लोग पेट्स रखते हैं ना, जो पेट्स भी बच्चों की तरह रखते हैं, या पुराने जमाने में लोग घर में, इसको अगर आल का वर्ड देखें तो जो आपके पास जो संपत्ति है बच्चों की तरह,
जैसे कि कोई पेड़ पौधे जानवर आपने घर में रखे हों उनकी बात हो जाती है, औलाद आपके अपने बच्चे, तो हो सकता है कि हर किसी के अभी उस उम्र में बच्चे ना हों, तो अगर किसी ने पेट रखे हों घर में तो उस पर असर पड़ेगा। तो पंडित जी ने याद है मरेगी आग औलाद भी, क्योंकि छठा घर जो है किसी ना किसी तरह से मैंने कहीं पढ़ा था वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कि वो पेट के साथ रिलेटेड भी है किसी हद तक। तो चले हम लाल किताब तक ही सीमित रहते हैं। तो मरेगी आग औलाद भी, तो किसी ना किसी तरह के इस पे इसके बच्चों पर इसके घर के जो पेट हैं जो और जीव जंतु हैं जिनको ये बच्चों की तरह पालेगा या पालता है या इनका ख्याल रखता है उन पे असर डेफिनेटली होगा। आगे लिखा है घर अपने की काम ना आवे माया उस इंसान की, मीन्स कि ऐसे जातक की जो कमाई होती है मोस्टली वो उसमें बरकत नहीं होती, वो उसको इतना फ़ायदा नहीं देती, तो किसी ना किसी तरह से उसको ये कमी खटकती रहती कि यार जो मैं कमाता हूँ उससे जो मेरे घर के खुशियाँ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। आगे पंडित जी कहते हैं घर अपने खुद के लिए कोई ना मंदा जवाब, खूब बरते जो खेती दुनिया मिट्टी मौत खराब। तो जो खेती है वो सेवंथ हाउस से देखी जाती है, सेवंथ हाउस की जो ज़मीन है चंद्र जब वहाँ पर आता तो उसको खेती की ज़मीन बोलते हैं। तो ऐसा जातक अगर कुएं लगाए या पानी का इंतज़ाम करे, लोगों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करे, लोगों के लिए प्यास बुझाने का पानी का काम करे, पानी दूसरों में बांटे, तो ऐसे जातक को मंदे ही जो असर मिलेंगे, शुभ फल नहीं मिलेंगे ऐसे जातक को। कि यहाँ तक कि पंडित जी ने ये भी कहा कि कोई डेथ पॉसिबल हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, माता पर कष्ट आ सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस डूब सकता है, तो इस जातक को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आगे पंडित जी कहते हैं साहिब तदबीर व अक्लमंद हो गए, तो ऐसा जातक जो होता है इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होता है, कैलकुलेटिव भी होता है, बहुत सोच समझ कर फैसले लेता है। 60 साल उम्र या चंद्र के खास वक्त 24 साल उम्र में कुएं खोदना खुदवाना अपनी माता और चंद्र की ताकत के लिए मंदी कब्र खोदना खुदवाना होगा, मीन्स कि ऐसे जातक को पंडित जी ने खास मना किया है कि खासकर लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम और खासकर वो भी कुओं से कभी ना करे, नहीं तो खासकर 24th year of life 24 साल की उम्र में, नहीं तो इसको बहुत सारे जो बुरे फल देखने को मिलेंगे, खासकर जब कुआं आम लोगों के काम आवे या बाहर खेती की ज़मीन में लगे। तो पंडित जी ने क्लियर ही कर दिया जो खेती वाली बात ऊपर कही है, खूब बरते जो खेती दुनिया मिट्टी मौत खराब, तो ऐसे जातक को जो पानी है आम जनता के लिए कॉमन पीपल के लिए किसी भी तरह खासकर इरिगेशन के लिए या प्यास के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसे जातक को किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स आती वही होगा जैसी करनी वैसी भरनी की, अगर ये दूसरों को पानी देगा तो ये खुद पानी का मोहताज हो जाएगा। पर पंडित जी ने यहाँ पे बात की है दान की, ओके, दान के सेंस में अगर कोई पैसा आपको कहीं मिलता है और वो आपसे पानी मांगता है तो आप उसको पानी पिला देते हो तो ये कोई दान नहीं होता, ये महान काम होता है, ये पुण्य होता है, ये दान नहीं होता। दान और पुण्य में फर्क है। तो कुछ लोग जो है वो भ्रांतियाँ बना लेते हैं यहाँ पर कि किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाना जी, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो पंडित जी ने ग्राउंड वाटर की बात कही है, टैप वाटर की जो बात या बॉटल वाटर की बात, या मीन्स कि मास कॉमन पीपल का मास जो मास होता है, मास मीन्स कि बहुत सारे लोग, वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध के घर में है केतु के घर में। तो जो एक दो बंदा है या जो आपको जानता है या आपके साथ सीधा इंटरेक्ट करता है, आपके घर में कोई आता है तो निश्चिंत होकर उसे पानी पिलाएं। आपसे कोई पानी मांगता है तो कोई इशू नहीं, आप उसको निश्चिंत होकर पानी दें। तो जब हम मास होता है कि MASS कि बहुत सारे जनसंख्या कॉमन पीपल मास, जो हमारे जैसे मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होता है, तो जो बहुत सारे लोग होते वो मास को ढेर सारे लोग जो
उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी बात पंडित जी ने कही है। तो अगर आपके मन में कोई शंका हो कि नहीं जी मेरा चंद्र छह है, मैंने किसी प्यासे को रास्ते में मिले पानी नहीं पिलाना, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये दान नहीं, ये पुण्य का काम है, और पुण्य का काम में कभी भी ना करें तो प्रॉब्लम आएगी। दान कुछ और है, पुण्य कुछ और है, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। पंडित जी किस एंगल से क्या बात कह रहे हैं वो भी आपको समझनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वेचन दोस्तों? लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही जो मैं आपका जो आपकी जो फीडबैक है, आपका जो प्यार है, वही मेरे लिए कीमती धन है। तो अपना प्यार देते रहे, लाइक कमेंट शेयर करते रहे, तो और वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।